बिग बॉस ओटीटी की बात करें दोस्तों, तो बिग बॉस ओटीटी के घर में बीती शाम हमने देखा फुकरा इंसान की तबीयत वाकई में काफी ज्यादा खराब थी। घर के अंदर ग्रैंड फिनाले के पहले लाइव कंसर्ट हुआ। इस लाइव कंसर्ट के दौरान फुकरा इंसान थिरकते हुए नजर जरूर आए, पर उनकी तबीयत काफी नाजुक थी। इनफैक्ट बिग बॉस ने भी उन्हें ये हिदायत दी थी कि आप अपनी बॉडी को वेयर आउट ना करें। जब बताया जा रहा था कि लाइव कंसर्ट शुरू होने वाला है तो आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर दिक्कत हो गई तो फिर आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो घर के अंदर आए थे तो उनके हाथ पर पट्टी का निशान था, यानी कि उन्हें ड्रिप चढ़ाई गई थी। फोटो में देख सकते हैं आप, उनके सामने वाले हाथ में पट्टी का निशान है, यहाँ पर उन्हें ड्रिप लगी थी। लेकिन जैसे ही ग्रैंड फिनाले ख़त्म हुआ, फुकरा इंसान को वापस से बुला लिया गया मेडिकल अटेंशन के लिए और उन्हें वापस से ड्रिप्स दी गई है। उनकी बॉडी में लिक्विड्स वापस से पूरे करने के लिए उन्हें ड्रिप दी गई है, ताकि फिनाले तक वो चुस्त दुस्त तंदुरुस्त हो जाएं। अब एक दिन पूरा उनके अटेंशन में जाएगा और यहाँ पर जैसे ही उनकी मेडिकल कंडीशन सही होगी, वो अपनी डांस प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में ग्रैंड फिनाले से पहले उनका डांस होगा, घर के बाकी सदस्यों के साथ उनकी जुगलबंदी होगी और यही सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहरहाल फुकरा इंसान जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। आपका क्या कहना है इसको लेकर, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। किसे कर रहे हैं आप जीतने के लिए वोट, फुकरा या फिर एलविश, कमेंट जरूर करें। बिग बॉस की और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।